Hello friends, welcome all of you, and today in this practice set we are going to discuss only 15 points, very very important English literature and so interesting. So friends, here we are discussing only answers and you can make questions by yourself. Questions banane ki kala aap khud hi viksit kar sakte hain. Yahan hum sirf 15 answers ki baat kar rahe hain. 15 points very very important. Negative capability is a term associated with kids. Dekhiye ye negative capability terms jo hai, literary term hai aur ye kids ke dwara फर्स्ट यूज़ किया गया था इन 1817 एंड किड्स जो है इसी से जुड़े हुए हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी. और होता क्या है ये टर्म जो है लिटरेरी टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेंड्स वो होता है एक तरह का फ्रेजेस होता है कि जिसमें जो है राइटर या पोइट अपनी जो वर्क है अपनी रचनाओं से स्वयं को दूर रखता है. आपको वो वर्क पढ़ते समय पोइट का ख्याल नहीं आएगा 1%. तो यही होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी. इन राइटिंग कैंटरबरी टेल्स चौसर वॉज इन्फ्लुएंस बाय देखे मैरोन. ये वर्क इम्पॉर्टेंट है कि कैंटरबरी टेल्स जो चौसर का वर्क है किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा था उन्होंने डेका मैरोन. पोप इज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट जो पोप का वर्ड है ना रेप ऑफ द लोक पूरा का पूरा हीरोइक कपलेट में ही लिखा है उन्होंने वो. और यही मोस्ट फेमस है राइटर हीरोइक कपलेट जो इन्होंने लिखा है. हीरोइक कपलेट फ्रेंड्स टू लाइन्स की जो दोहा होता है वो होता है एम्बिक पेंटामीटर में होता है उस तरह से ये लिखे जाते हैं हीरोइक कपलेट. ही इज टू यूज द एक्सप्रेशन अन एजिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इंटेलेक्ट. ये क्वेश्चन बन सकता है कि अन एजिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इंटेलेक्ट ये एक्सप्रेशन किसके द्वारा यूज़ किया गया है. ये यीट्स की पोएम है उसमें ये लाइन है ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डॉक्टर फॉस्टस बाय मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो का ये वर्क है डॉक्टर फॉस्टस इज इन वन पार्ट ओनली वन पार्ट में ये है कोई एक्ट कुछ वो सेक्शन नहीं है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस कितने पार्ट में वन पार्ट. स्ट्राइफ डिस्क्राइब द स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर्स. देखिए ये प्रॉब्लम प्ले है स्ट्राइफ किसके द्वारा लिखा गया है जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा. और जैसा कि प्रॉब्लम प्ले है तो क्या प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है इसमें द स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर्स. फैक्ट्री वर्कर्स हड़ताल कर देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो है इसमें डिस्क्राइब की गई है. बेन जॉनसन वाज द फर्स्ट पोएट लॉरियट इन इंग्लैंड. बेन जॉनसन को फर्स्ट पोएट लॉरियट इंग्लैंड का बनाया गया था. कब बनाया गया था 1616 बाय जेम्स फर्स्ट जो किंग थे उस समय जेम्स फर्स्ट के द्वारा इन 1616 में बेन जॉनसन को इंग्लैंड का फर्स्ट पोइट लॉरियट बनाया गया था. इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय पॉप. देखिए इंपॉर्टेंट है इलियाड जो कि हमारा ग्रेट एपिक है बाय होमर तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किसके द्वारा किया गया था तो वो हमारे पोप के द्वारा किया गया था. गीतांजलि इन इंग्लैंड वाज पब्लिश्ड इन 1912. गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसको इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य के लिए. तो फ्रेंड्स ये इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी 1912 में. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटी छोटी बातें हैं नोटिस करने की कि इंग्लैंड में हुई थी ना कि इंडिया में पब्लिश हुई थी. एंड बेन जॉनसन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का यदि वर्क का नाम आता है इस लिटरेरी फॉर्म का तो बेन जॉनसन का नाम पहले आता है. उन्होंने इसी फॉर्म का यूज़ किया है. द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स. पुलित्जर प्राइज साहित्य के लिए दिया जाता है हम सभी जानते हैं पर किसके द्वारा दिया जाता है द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स. टेनिसन कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. टेनिसन ने ये मिल्टन के बारे में बोला है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द पुलित्जर प्राइज इन USA वाज झुंपा लाहिरी इन 2000. झुंपा लाहिरी ने पहली भारतीय जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता सन 2000 में जीता और उनकी जो डेब्यू वर्क था इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज उसके लिए उन्होंने ये पुलित्जर प्राइज जीता. एंड आज के लास्ट के टू पॉइंट्स हैं डब्ल्यू वी यीट्स इनको नोबेल प्राइज मिला था 1923 में फ्रेंड्स ठीक है 1923 में मिला था एंड टी एस एलियट को 1948 में मिला था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. तो ये इंपॉर्टेंट है और हम नोबेल प्राइज लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि किस इंग्लिश पोइट को मिले हैं नोबेल प्राइज तो वो अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स आज के इस लेसन में इतना ही पॉइंट्स और वीडियो देखने के लिए थैंक यू. खुश रहिए पॉजिटिव रहिए जय हिंद.